In the heart of India, state of Madhya Pradesh, is the district of Damoh. 50 kilometers inside is a belt of sleepy villages where life is simple. कर लाए तो बहु ठीक है और नहीं तो घूंघट नहीं मारी तो बहु ठीक नहीं है। गेंदा रानी बोलो नहीं हमने अब सुबह उठे झाड़ा बटोरी करे चूल्हो पोते आगे सुलगा चाय बनाए चाय पीखे अपने पानी हो चले गए पानी से यहाँ ले नहा खोरो खाना बनाने लगे तो काम तो है खाना बना के अपने पहाड़ चले गए नहीं तो टेम भाई तो खेती बाड़ी जब यही नहीं है तो का खेती बाड़ी करनी मजदूरी करा थे अब पत्ते जे यार 100 रुपया सैकड़ा एक सैकड़ा हो गए 100 रुपया जमे लगाए दो आ गए तो 200 हो गए कितने सुंदर कितने लहर सूर्य सितारे अपनी पृथ्वी दिखाए ना गोल पता लगाए क्या है पोल सूरज नाना बहुत बड़े हैं छोटे दिखते दूर खड़े हैं चंद्रा मामा दिखे ना रोज पता लगाए करके खोज मन करता है उड़ कर जाए तारों से मिल कर आए पर हम जान सके वहाँ आओ इनको पढ़ाए यहाँ हम सभी आसमान को दिखते हैं वहाँ। मेरा नाम शालिनी गोस्वामी अंक किया मेरे स्कूल में पर्यावरण पढ़ाते हैं गणित हिंदी अंग्रेजी मेरी कक्षा में 48 बच्चे हैं मुझे बड़े हो गए पुलिस बनना है। पुलिस तो नहीं बन पाया लेकिन फिर भी मतलब मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन अपनी गुंजाइश भी तो चाहिए ना मतलब उतनी खेती भी नहीं है धंधा पानी हो या पढ़ाने के लिए बाहर मतलब बाहर पढ़ने का मतलब है कि पैसा अब जो है कि गल्ला पानी हुआ उसको बेचे फिर बाद में अपने बाल बच्चे को पढ़ाया है। हमें स्वागत करते तुम आओ हमारे घर आए दौड़ी दौड़ी जाऊं जाके फूले वाले आऊरी फूले वाले आऊं बाके हरे बाबा नाऊ सब मिल के उन्हें Due to scarcity of water, migration is a reality in these villages. Perhaps a necessity. जैसे हमारे परिवार से है तो हमारे चार भाई हैं, दो भाई बाहर रहते हैं एक जन जबलपुर में है एक जन दमोह में है मतलब उस वजह से मतलब अपना उधर हो जाता है नवरवा यदि चारों जन रहते तो नहीं हो पाता। Men don't have much work in the barren land of Damoh. जो सीजन आगा वही काम कर रहा है खेत को आगा कटाई कर रहा है पत्ती को सीजन आ रहा पत्ती तोड़ रहा है और ये जब आएगा उधार तो दोनों साथ कर रहे थे नौ बजे अपने अपने कर भी लगी ही Running through their lives is a struggle for water. वो कहाँ हो जाता है पानी भर भी वो दो घंटे में लौट रहा है पानी से पाँच छः बार कभी कभी ज़्यादा लग जाता कभी कभी कि पाँच से कम ही लगता ज़्यादा लगता है कि इसमें हम पानी भी नदी से ले जाते हैं पीने के लिए भैंसों के लिए खर्च के लिए इसमें नहाते भी हैं।
हमारे यहाँ बंजर जमीन है, उसमें खेती होती है कुछ, और कुछ जमीन वैसे ही पड़ी रहती है, पशु वगैरह चरते हैं। कारण इसका ये है कि जमीन कट्टी ज़्यादा है, पानी गिरता है ऊपर का बरसात का, तो नाला बन के वो सब निकल जाता है, पानी रुकता नहीं है। आप बीज वगैरह जो हम लोगों के घर में होता है वो बो देते हैं, बाहर से कहीं से खरीद के लाते नहीं हैं। बरसात के मौसम में तो राहर है, उड़दा है, सोयाबीन है, धान वगैरह ये सब फसलें होती हैं। बाकी फिर मसूर है, चना है, गेहूँ है, ये चीज़ें बहुत। हमारे यहाँ जो बंजर जमीन है वो उपजाऊ हो सकती है, नहीं तो अभी तो वो सब पड़ी है और हम लोग फसल भी नहीं ले पाते हैं उसमें। बैल करते हैं, बैलों से खेती करते हैं। फिर कब लाइट है नहीं? फिर तो सब सन्ना का सो जा आराम है, आराम तो रात भर कोई काम नहीं, रात में कोई काम नहीं, बस आराम। एंड इन द क्वाइट डार्कनेस द पीपल ड्रीम ऑफ अ ब्राइट न्यू डे। गैस वाला चूल्हा मिल जातू तो और अच्छा है। अगर पानी की व्यवस्था बन जाए तो जी अपन और हल मल चला के खेती हो सकत है। हमारे तो इतना ही किरम पाता नहीं क्यों कि हमारे भी भाईचारी है जो इन्हों बरसात में हैरान में करी क्यों सो भी करवा दे क्यों तैयार। अगर ट्रैक्टर दे तो हम लोग उसी से खेती करेंगे।